आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं एक बलबे की। हरियाणा के नूह में हिंसा फैली हुई, वहां से कई सारी खौफनाक तस्वीरें आ रही और देश में भाईचारे और अमन चैन को लेकर चिंता की लकीरें खींचती। इतना ही नहीं, जिस तरह दंगाइयों ने गोलियां चलाई, पथराव किए, आगजनी की, ये समाज के लिए भयावह है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? गुनाहगार कौन है? किसने हरियाणा को जलाने की साजिश रची है? नूह में ब्रज मंडल यात्रा पर हर साल निकलती थी, लेकिन इस बार आखिर ऐसा क्या हुआ? नूह जिला प्रशासन को बाहर के दूसरे जिलों से फोर्स बुलानी पड़ी। हमले में 45 से ज्यादा लोग घायल हो गए, 2 होमगार्ड्स की मौत हो गई, जवानों की मौत हो गई, तो 3 आम लोगों ने भी मारे जाने की खबर है। आखिर हिंसा के पीछे किसकी चाल है? आखिर हिंसा करने वालों की मंशा क्या थी? इन सब को लेकर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। कई सारी तस्वीरें उस रिपोर्ट में हैं, गौर से देखिए। नूह में ब्रज मंडल यात्रा को किसने घेरा? जत्था निकल रहा था, किसने धावा बोल दिया? पुलिस की गाड़ियों पर किसने किया पथराव? नलहड़ की ये वो जगह है जहां से इस पूरी हिंसा की शुरुआत हुई थी। अगर हम बात करें, यहां से महज 500 मीटर की दूरी पर वो मंदिर है, इस पहाड़ी से पहले जो है, क्योंकि पहाड़ी की तलहटी पर वो मंदिर बना हुआ था, जहां से कल तमाम लोग एकत्रित हुए थे। एकत्रित होकर के ये शोभा यात्रा के माध्यम से चले थे और यहां पर आकर के ये आगजनी हुई थी। सबसे पहले आपको इस पूरे रोड की तस्वीर दिखाना चाहेंगे, कैमरामैन चाहेंगे कि पूरे रोड की तस्वीर दिखाएं कि जहां तक नजर जाएगी तमाम जो रोड है वहां पर आपको जले हुए निशान आएंगे, आपको नजर आएंगे। हरियाणा का माहौल कौन खराब कर रहा है? नूह में घटना हुई, बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस घटना के होते ही जब हमको पता लगा तो हमने अपने पुलिस के सब उच्च अधिकारियों को, DGP साहब, ADG CID, ADGP लॉ एंड ऑर्डर और अन्य आसपास के जिलों से भी पुलिस फोर्स को तुरंत वहां रवाना किया। नूह में किसने लगाई आग? किसने मचाई लूट? कादरपुर में इस वक्त मौजूद हैं और आप हमारे पीछे जो झोपड़ियां देख रही हैं, अब से यहां थोड़ी देर पहले किसी ने इन झोपड़ियों में आग लगा दी थी और संदेह इस बात पर जताया जा रहा है कि जो नूह में हिंसा भड़की थी, मेवात में हिंसा भड़की थी, उसका असर अभी के समय यहां देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि जो फायर फाइटर की टीम होती है वो मौके पर यहां मौजूद है और आग को बुझाने की जो कोशिश है वो यहां पर की जा रही है। नूह में किसने घोला साजिश वाला जहर? नूह में इस वक्त हालात पूरी तरह से नियंत्रण में है, वहां पर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है और नूह में कर्फ्यू लगा दिया है। पुलिस वालों पर जानलेवा हमला, अब कसेगा शिकंजा। मंगलवार का दिन है, जिस तरीके से सोमवार को मेवात के, हरियाणा के मेवात के नूह में शोभा यात्रा के दौरान निकली शोभा यात्रा पे पथराव हुआ था, उसके बाद दोनों समुदायों में जमकर पथराव हुआ, आगजनी हुआ। हालांकि इस पूरे बवाल में जानकारी के मुताबिक गुरुग्राम से मेवात जा रहे 2 होमगार्ड की भी मौत हो गई और साथ में कई जो हरियाणा पुलिस के जो अधिकारी वो घायल हो गए, जो इस वक्त मेदांता में जिनका इलाज चल रहा है। और हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से पैरामिलिट्री फोर्सेस की मांग की गई थी, अर्धसैनिक बल भेजा गया है। किसने रची साजिश? किसने बरसाए पत्थर? जिन लोगों ने 92 में मेवात को जलाया, 92 मतलब बाबरी ढांचा के विध्वंस या तोड़ने के बाद या टूटने के बाद, जो मेवात के अंदर दंगे भड़के, यहाँ पर सैकड़ों मंदिरों को उस समय तोड़ दिया गया, उनके पीछे जिन लोगों ने साजिश की, जिन लोगों ने उस समय गायों के गले में टायर डाल डाल कर जलाया गायों को, कौन लोग थे? वही कांग्रेस के जो अभी वर्तमान में जो विधायक है वो थे। इन्हीं कांग्रेस के जो विधायक हैं, इन्हीं के पिताजी भजनलाल जी की सरकार में शिक्षा मंत्री थे। सुरक्षा किले में तब्दील नूह, साजिश की पोल खुलेगी।
मंगलवार को तमाम कड़े सुरक्षा के प्रबंध जो है इस नुह में किए गए हैं। फिलहाल आपको दिखाना चाहेंगे कि तमाम जगहों पर अगर बात करें, इन्फोर्समेंट की टीम जो है इसके साथ साथ CISF रैपिड एक्शन फोर्स और उसके साथ साथ हरियाणा पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर तमाम जगहों पर तैनात कर दिए गए हैं। और नुह की बात करें तो नुह में जिला प्रशासन के द्वारा आदेश जारी किए गए हैं, यहाँ पर अगले आदेशों तक जो है वो कर्फ्यू लगा दिया गया है। नुह के अंदर अगले आदेशों तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। नुह जला क्यों, घर उजड़े क्यों, अब होगा हिसाब। देखिए आज यहाँ पुलिस पब्लिक पीस कमेटी की मीटिंग की गई है और मीटिंग बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई है और सभी ने अपने विचार रखे और पीस वैसे भी रेस्टोर्ड है, कोई समस्या की बात नहीं है और सभी ने आश्वासन दिया है कि आगे किसी भी प्रकार की कोई उपद्रव की घटना, किसी भी प्रकार का वायलेंस नहीं होगा। नो हिंसा का गुनहगार कौन, शहर में कितने शैतान। जी गुरुग्राम में सिचुएशन इज एब्सोल्युटली अंडर कंट्रोल। सोहना हमारा जो मेन एरिया फोकस एरिया था, गुरुग्राम का एक सब डिवीजन, वहाँ पे पीस कमेटी की मीटिंग हो गई है, नॉर्मलसी रिस्टोर हो गई है, मार्केट्स भी खोल दिए गए हैं, आज हमने फ्लैग मार्च भी किया है और कहीं पे भी इस तरह की कोई इंसिडेंट सामने नहीं आई है जिससे कि कोई सामुदायिक जो सौहार्द है उसको नुकसान पहुँचता हो। नुह, मेवात और सोहना में साजिश की सबसे बड़ी पड़ता। नुह में साजिश की इनसाइड स्टोरी। यह अकेली रिपोर्ट नहीं है। नुह में जो हिंसा हुई है, जो कि अभी तक शांत नहीं हुई है, उसे लेकर हमने एक और रिपोर्ट तैयार की है, उसे भी देखिए। हरियाणा के मेवात जिले के नुह में PHP और मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी की तरफ से निकाली जा रही ब्रजमंडल यात्रा के दौरान भारी हिंसा भड़क गई। हर साल की तरह नुह में शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, इसीलिए मंदिर में पहले से ही भारी संख्या में भक्त मौजूद थे। इसी मंदिर के करीब 600 मीटर की दूरी पर हिंसा भड़की थी, जिसके बाद 40 से ज्यादा गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। मंदिर के चारों तरफ पत्थरबाजी और गोलीबारी की घटनाएं हुई। 2,500 से ज्यादा लोगों को मंदिर में छिपना पड़ा, लोग जान बचाकर भागने लगे। जाने दो, इतनी देर में तो शीशा फोड़ना चालू कर दिया। कितने लोगों को मारा वहाँ? वहाँ बहुत ही लोगों को मारा है, मैं तो उतरा भी उनसे बात करने के लिए, इतनी देर में उन्होंने मेरे सर में पत्थर ही पत्थर मार दी। दंगाइयों की गोलीबारी और पथराव में 2 होमगार्ड्स की मौत हो गई, जबकि 3 आम लोगों की भी मौत की खबर है। कुल 10 पुलिसकर्मी जख्मी हैं। मामले में अर्धसैनिक बलों की 20 कंपनियां और पुलिस बलों की 20 कंपनियां भी तैनात की गई हैं। अब तक 44 FIR दर्ज किए गए हैं और 70 लोगों को नामजद किया गया है। हरियाणा सरकार को नुह हिंसा के पीछे कोई साजिश दिख रही है। सरकार का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से पत्थर, हथियार, गोलियां मिली, ऐसा लगता है इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड है। समाज की एक यात्रा जो हर वर्ष निकलती थी उसका आयोजन किया जा रहा था और कुछ लोगों ने एक षड्यंत्र रच करके उस यात्रा पर आक्रमण करना शुरू किया और आक्रमण न केवल यात्रा पर बल्कि पुलिस के ऊपर भी उन लोगों ने किया, जिसके परिणाम स्वरूप यात्रा को भी भंग किया गया और बहुत से स्थानों पर आगजनी की घटनाएं हुई। नुह में इस वक्त हालात पूरी तरह से नियंत्रण में है, वहां पर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं और नुह में कर्फ्यू लगा दिया गया है। सफिशिएंट मात्रा में पुलिस फोर्स वहां पर भेज दी गई। हिंसा के कारण पूरे हरियाणा में करीब 45 लोग घायल हैं। गुरुग्राम के बादशाहपुर में खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। यहां दुकान लूटे गए हैं, झुग्गियों में आग लगाई गई है। नुह के आसपास के इलाकों में अभी भी भारी तनाव है। माहौल को दंगाइयों ने खराब कर दिया है। नुह यात्रा पूर्व नियोजित थी, हर साल की तरह निकलती थी, इसके बाद भी आखिर दंगा क्यों हुआ? दंगाई बेखौफ इतने कि होमगार्ड्स तक की जान ले ली।
सरकार विस्तार से जांच और सख्त कार्रवाई की बात कह रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि दोषी बचेंगे नहीं और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई अवश्य की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ये सब कुछ किसने किया? आपको नूह के गुनाहगारों की तस्वीरों को दिखाते हैं और देखिए, जरा सोचिए कि दंगा फैलाने वालों की सोची समझी ये साजिश थी। नूह हिंसा का जो नया सीसीटीवी आया है उसमें साइबर थाने पर हमले का वीडियो वायरल हुआ है। कल थाना फूंकने की कोशिश की गई थी, थाने में गाड़ियों में आग लगा दी गई, थाने पर पथराव किया गया और जब पथराव किया गया तो दंगाई साफ तौर पर इस सीसीटीवी में दिखाई दे रहे हैं। वहीं नूह हिंसा के बाद ये आज की तस्वीरें भी हैं, खौफनाक हैं, डराने वाली हैं। गुरुग्राम के बादशाहपुर सोना रोड पर जमकर हुड़दंग हुआ। जो हुड़दंग हुआ उसमें सोना रोड पर सरेआम दुकानों से लूटपाट की गई। इंडिया न्यूज आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है कि किस तरीके से लोग दुकानों से सामान उठाकर लेके जा रहे हैं, अपने घरों लेके जा रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से दुकानों को लूटा जा रहा है। भीड़ खड़ी हुई है, सब कुछ देख रही है और जो दंगाई है वो दुकानों पर तोड़फोड़ कर रहे हैं, सामान उठाकर बाहर फेंक रहे हैं और लोग सामान उठाकर बाहर ले जाते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए आप, और हमारे सहयोगी मोहित की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट इसी पर है। देखिए आप साफ तौर पर सीधे देख सकते हैं इंडियन हरियाणा पर किस तरीके से जो है महक कार्टन शॉप जो है उन व्यापारियों की दुकानों के साथ जो है तोड़फोड़ की जा रही है। और ये लगातार जो विद्रोह है ये दो गुटों के बीच जो है कल शुरू हुआ था, नूह से शुरू हुआ था और उसके बाद तस्वीरें आप बादशाहपुर की सीधे तौर पर एक्सक्लूसिव देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है व्यापारी हैं वो दुकान को बंद करके जा चुके हैं, मगर एक जो भीड़ है वो गुस्से में है और लगातार जो है अलग अलग इलाकों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर एक के बाद एक जो है तोड़फोड़ हुई है और आगजनी भी हुई है। और ये तस्वीरें गुरुग्राम के सोहना रोड की तस्वीरें हैं जहाँ पर देखा जा सकता है किस तरीके से जो लोग हैं वो अंदर चढ़ रहे हैं, दुकान के अंदर तोड़फोड़ करने के लिए चढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं ये दुकान जो है आप देख सकते हैं महक कार्टन शॉप के नाम से है और तोड़फोड़ दुकान में की जा रही है। इस शख्स को आप देख सकते हैं कि पूरी जो भीड़ है इस सोना रोड पर जमा हो गई है लोगों की, आपको हम दिखाना चाहेंगे। और मैं बता दूं इस दुकान के सामने भी मार्केट में तोड़फोड़ की गई है जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा दें कि जो जूस कॉर्नर है, इरफान पहलवान दुकान है, रॉयल बाइक सेल एंड परचेज है, उसके साथ भी उनकी दुकानों पर भी तोड़फोड़ की गई थी। तस्वीरें अभी सामने आई थी कुछ देर पहले ही कि कुछ युवा जो है लाठी डंडों से यहाँ पर हमला किया और उसके बाद और तस्वीरें जो हैं दुकान के साथ तोड़फोड़ की आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और गुरुग्राम में लगातार जो आग है इस तरीके की जो है धधक रही है और दो गुटों के बीच जो कल बवाल हुआ था, मसला हुआ था, उस मसले के बाद अलग अलग जगहों पर इसी तरीके से जो है विद्रोही जो है सड़कों पर उतर आए हैं और इस तरीके से जो है तोड़फोड़ अलग अलग इलाके में की जा रही है। आप देख सकते हैं कि लोग इकट्ठे हैं सड़कों के ऊपर, एक तरफ मार्केट को पूरे तरीके से तोड़ दिया गया तो दूसरी ओर अब ये जो सामने दुकान बनी है रजाई गद्दों की ये दुकान है इसके साथ जो है तोड़फोड़ की जा रही है। युवा साफ तौर पर सड़कों पर आप देख सकते हैं ये सभी युवा हैं जो तोड़फोड़ के लिए पहुँच रहे हैं और आप देख सकते हैं ये किस तरीके से जो है आप सीधी तस्वीरें इंडियन न्यूज हरियाणा पर देख रहे हैं और किस तरीके से ये जो पूरा उग्र होते जा रहे हैं युवा। और गुरुग्राम के पाशापुर गांव से पहले सोहना रोड की तस्वीरें हैं, वाटिका चौक के पास की तस्वीरें पड़ती हैं जहां पर देख सकते हैं दुकान के अंदर तक जो है घुस गए हैं और उनके साथ जो है सामान को कहीं ना कहीं जो है बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीरें गुरुग्राम के सोहना रोड से हम आपको सीधी दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें गुरुग्राम की साइबर सिटी गुरुग्राम की हैं जिस तरीके से जहां दूसरी ओर जिला प्रशासन शांति की अपील लोगों से कर रहा है तो मगर ऐसे में लोगों का गुस्सा अब इन दुकानों पर फूट रहा है जिनको आप देख सकते हैं। और देखिए किस तरीके से जो है तोड़फोड़ की जा रही है, सीधी लाइव तोड़फोड़ हम आपको दिखा रहे हैं। अब मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से दुकान के साथ तोड़फोड़ की जा रही है। नूह हिंसा में दो जवान शहीद हो चुके हैं, दोनों जवान होमगार्ड के थे। उनके परिवारों को 57 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी। हरियाणा पुलिस की तरफ से इस बात की तस्दीक की गई। वहीं नूह हिंसा पर करणी सेना अध्यक्ष सूरज पाल का क्या कहना है इसे एक बार सुनिए।
घटना पर चर्चा के लिए हमारे साथ है करणी सेना के अध्यक्ष सूरज पाल अमोजू। हम बात करें किस तरीके से देखते हैं पूरी घटना घटी नुहू से, नलहड़ से ये शुरुआत हुई हिंसा की, पूरा नुहू धीरे धीरे इसकी चपेट में, उसके बाद पलवल का तीन पता होटल की बात करें या फिर हम गुरुग्राम के सोहना की बात करें, तमाम क्षेत्र कहीं ना कहीं इसके लपेट में आए, आगजनी, पथराव, कुछ लोगों की मौत भी हुई है इसके अंदर, अब तक तीन की पुष्टि हुई है। क्या कहेंगे आप, किस तरीके से देखते हैं? मेरे हरियाणा के अंदर, मेरे हिंदुस्तान के अंदर, अगर मेरा हिंदू भाई अगर ब्रजमंडल यात्रा लेकर चला है और वो अपने उस ब्रज क्षेत्र में आ रहा है जिसको हम नुहू कहते हैं, मेवात कहते हैं, उसी मेवात के अंदर मथुरा आता है, उसी मेवात के अंदर पुनाना आता है, उसी के अंदर होडल, अलवर, भरतपुर आता है। अब उस ब्रज क्षेत्र के अंदर अगर विश्व हिंदू परिषद के लोग वहाँ पर ब्रजमंडल यात्रा निकालते हैं, और पहली बार नहीं निकाल रहे दीपक जी, लगातार निकलती आ रही है, और वो अपने मंदिर के अंदर जा रहे हैं, वहाँ से आ रहे हैं, और वहाँ पर उनको घेर कर, उनको बंधक बनाकर, उनको उनको उनके ऊपर गोलियाँ चलाई जाएँ, उनके ऊपर पत्थर बरसाए जाएँ, उनकी गाड़ियों को आग लगाई जाए, ये क्या एक दिन का काम है? ये साजिश है, और साजिश करने वाले कौन है? मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ, स्पष्ट तौर पे कह रहा हूँ, जिन लोगों ने बानवे में मेवात को जलाया, बानवे मतलब बाबरी ढांचा के विध्वंस या तोड़ने के बाद या टूटने के बाद, जो मेवात के अंदर दंगे भड़के, यहाँ पर सैकड़ों मंदिरों को उस समय तोड़ दिया गया, उनके पीछे जिन लोगों ने साजिश की, जिन लोगों ने उस समय गायों के गले में टायर डाल डाल कर जलाया गायों को, कौन लोग थे? वही कांग्रेस के जो अभी वर्तमान में जो विधायक है वो थे, इन्हीं कांग्रेस के जो विधायक हैं, इन्हीं के पिताजी भजन लाल जी की सरकार में शिक्षा मंत्री थे। अब कई तरीके के बयान आ रहे हैं, लेकिन इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा है कि लोग शांति बनाए रखें और प्रशासन वहां पर चप्पे चप्पे पर नजर रख रहा है, और सीसीटीवी में जो तमाम लोग पकड़े गए हैं उनकी मॉनिटरिंग हो रही है, उनकी शिनाख्त हो रही है और उन्हें ढूंढने की कोशिश की जा रही है जिससे कि माहौल शांत हो। फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, और ब्रेक के उस पार देखिए अर्धसत्य।